हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन फुटबॉल कप के मैच के बारे में और ये मैच खेला जाएगा VFL बोचुम और बोरुशिया डॉर्टमुंड के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल और इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डालते हैं। तो गई जर्मनी बुंदेसलीगा में फिलहाल टाइम पर दोनों टीम की जो पोजीशन है, बोचुम 15 पर है और बोरुसिया डॉर्टमुंड उसी लीग में 3 पोजीशन पर है। तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक फेवरेट टीम मान चले, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चले। तो मैं इस मैच में बोरुसिया डॉर्टमुंड को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बेहतर टीम है, अटैक भी काफ़ी शानदार है, डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी अच्छा कर लेती है, तो इसीलिए डॉर्टमुंड एक फेवरेट टीम है इस मैच को विन करने के लिए। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है, और यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली हमारे सिंबॉलिक टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो चलिए नजर डालते हैं हेड टू हेड मैचेस पर। तो इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं और बोचुम ने इस टीम के सामने 3 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले, 1 मैच लॉस किया। अटैक 2.2 है, डिफेंस 1.8 है। तो हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो बोचुम का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा हो चुका है। और अटैकिंग भी और डिफेंसिव कहीं ना कहीं बोचुम इस टीम के सामने गोल कंसीड कर देती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेला गया, उस मैच को जरूर बोरुसिया डॉर्टमुंड 3-0 से विन किए, लेकिन उससे पिछले जितने भी मैचेस खेले हैं बोचुम ने इस टीम के सामने या तो विन किया है या मैच को ड्रॉ खेला है, लेकिन लॉस नहीं किया। और बोरुसिया डॉर्टमुंड ने इस टीम के सामने ऐसा नहीं गोल नहीं किया, बल्कि हर मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस से गोल कंसीड भी किए हैं। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड हेड टू हेड में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन कर पाई है इस टीम के सामने, लेकिन आज का रिजल्ट किस प्रकार रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन करंट फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों टीम का जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो गाइस, VFL बोचुम करंटली 6 मैच खेली है, 2 विन की है, 1 ड्रॉ खेले, 3 लॉस की है। अटैक 1.8 है, डिफेंस 2.3 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन डिफेंस थोड़ा सा गंदा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच हॉफमैन के सामने ये टीम ये टीम 5-2 से हार कर, मतलब जीत कर आ रही है, और उसे के मुकाबले टीम माइंस के सामने 5-2 से हारी है, और उसे के मुकाबले ये टीम बायर लेवरकुसन के सामने 2-0 से हारी है, और एक मैच हेर्था बर्लिन के सामने 3-1 से विन किए, एक मैच अटैकिंग ड्रॉ खेली, और उसे के मुकाबले ये टीम फ्रेंडली मैच खेली और ये टीम 3-0 से हार गई। तो करंट फॉर्म अगर बोचुम का देखा जाए तो अटैक तो मजबूत है, लेकिन डिफेंस से कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है और मैच को तभी ये हार जाती है। अब हम बात करते हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, बोरुसिया डॉर्टमुंड करंटली 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 मैच जीते हैं, ना ही कोई मैच ड्रॉ खेला, ना ही कोई मैच लॉस किया। अटैक आप देख सकते हो, 4 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज है, और डिफेंस से 1 गोल कंसीड करने का, मतलब जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। अब हम बात करें जो पिछला मैच फ्राइबर्ग के सामने टीम 5-1 से जीत गई, और ऐसा नहीं कि वो कोई हल्की टीम है, वो भी काफ़ी अच्छी टीम है, बल्कि बोचुम से तो कहीं बेहतर टीम है वो, लेकिन उसे भी मुकाबला बायर लेवरकुसन के सामने टीम 2-0 से हार गई, मतलब जीत कर आ रही है, जो बोचुम उसके सामने जीत मतलब हारी थी या उसके सामने जीत कर आ रही है। और उससे पिछला मतलब जितने मैचेस खेले हैं ना, वो सारे बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जीते हैं। अब वो बात अलग है कि मैच में कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले, बल्कि चांस तो 99% ये है कि बोरुसिया डॉर्टमुंड इस मैच को विन करे। तो इसी को देखते हुए हमें अपने ड्रीम 11 को टीम क्रिएट करना है। ओके, तो फाइनली गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का तीनों फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, तो पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग बोचुम इस लीग की बॉटम टीम है और बोरुसिया डॉर्टमुंड इस लीग की टॉप टीम है। ओके, हेड टू हेड में देखा जाए तो बोचुम ने इस टीम के सामने परफॉर्मेंस अच्छा रखा है ओवरऑल, लेकिन रिसेंटली मैच बोरुसिया डॉर्टमुंड ने विन किया है।
और रिसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोचम का परफॉर्मेंस काफी गंदा है, अटैक तो अच्छा लेकिन डिफेंस काफी गंदा है, और बोरुसिया डॉर्टमंड का परफॉर्मेंस अटैक और डिफेंस दोनों मजबूत है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको क्लियरली बोरुसिया डॉर्टमंड एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी। तो यही एक वजह है कि मैं बोरुसिया डॉर्टमंड की फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनली गाइस अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल हो जाने चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्त, बोरुसिया डॉर्टमंड कम से कम आज के मैच में 3 गोल इस टीम के सामने कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि बोचम का डिफेंस कहीं ना कहीं गंदा है। अब जब इस टीम का डिफेंस गंदा है तो बोरुसिया डॉर्टमंड जिस टीम के सामने तो गोल कंसीड करना तय है, और बोचम की तरफ से कहीं ना कहीं एक गोल आ सकता है क्योंकि बोचम का करंट फॉर्म थोड़ा सा अटैकिंग अच्छा देखने को मिला है। तो इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया इस मैच को एक हाई स्कोरिंग, और इसी हाई स्कोरिंग के आधार पर हम अपनी टीम क्रिएट करेंगे। वो क्यों हाई स्कोरिंग? क्योंकि जब भी दोनों टीम ने मैच खेले ना आपस में तो कम से कम 4-4 गोल पर मैच तो होते आए हैं, लेकिन आज क्या पता फिर से हो जाए। तो इसी को देखते हुए हमें अपनी टीम को क्रिएट करना। तो फाइनली गाइस अब बात आती है कि प्रेडिक्शन के अनुसार कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए। मैंने अभी तक इस वीडियो में बात की है कि कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल इस मैच में हो जाएंगे, लेकिन कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमें आज के मैच में लेकर चलने हैं और जिनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी देना है। उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए होने आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हर रोज चैनल पर इसी प्रकार से मिलती रहेगी, और T20 की भी और फुटबॉल की भी। ओके, तो बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हम बोचम के प्लेयर्स पर, फिर नज़र डालेंगे बोरुसिया डॉर्टमंड के प्लेयर्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं बोचम को। तो गाइस बोचम की तरफ से हाइस्ट गोल टेकर फिलिप होफमान, जिसने 7 गोल किए इस टीम के लिए, तो ये प्लेयर हमारी टीम में रहेगा। सिमोन जोलर इस टीम के लिए 3 गोल कर चुका। सेकंड हाइस्ट गोल टेकर क्रिस्टोफर एंटवी इस टीम के लिए 2 गोल कर चुका। फिर यहाँ से इरहान है जिसने 2 गोल स्कोर किए। बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का एक एक ये 2-2 गोल आए हैं, आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। जब आप टीम क्रिएट करोगे तब ये प्लेयर्स आपकी टीम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इनको लेना चाहिए वो होफमान रहेगा। सिमोन जोलर भी हो सकता है, लेकिन वो लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हो कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन अटैक पर खेलेगा, डिफेंस को लेकर बेहतर रहेगा, उसके हिसाब से टीम में इनको पिक किया जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से होफमान ही एक ऐसा मात्र प्लेयर है जो इस मैच में गोल कर सकता है। बाकी अब हम असिस्ट वाले प्लेयर्स पर नजर डालते हैं, और एक असिस्ट का ड्रीम 11 पर 20 पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स को भी। असिस्ट में देखा जाए क्रिस्टोफर गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूशन रखा है इसने, तो आई थिंक हमें इनको ना जगह देनी चाहिए अपनी टीम में। फिर यहाँ से फॉर्स्टर है इस टीम की तरफ से 5 असिस्ट निकाल चुका है। फिर यहाँ से एंथोनी लोशिलो इस टीम के लिए 2 असिस्ट, बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो ये प्लेयर्स आपकी टीम में आज हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है बोरुसिया डॉर्टमंड, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं डॉर्टमंड के प्लेयर्स पर भी। तो गाइस बोरुसिया डॉर्टमंड तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर मुकोको, जिसने इस टीम के लिए 6 गोल स्कोर किए। जूलियन ब्रांड इस टीम के लिए गोल और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है, तो ये भी हमारी टीम में रहेगा, प्लस कैप्टन आराम से दे सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैना, जिसने इस टीम के लिए 5 गोल स्कोर किए। बेलिंगम मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस टीम की तरफ से, और इसका जो परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी बेहतर रहता है, अटैक से भी पॉइंट आते हैं, डिफेंस को लेकर पॉइंट आते हैं, असिस्ट आने का चांसेस हाई रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स ऑलराउंडर सेक्शन, जैसे हमारे पास आंदर रसेल तो नहीं कह सकते बल्कि साकिबुल हसन जैसे, ऐसा ही आपको फुटबॉल में बेलिंगम देखने को मिलेगा। ओके, फिर बाकी जितना और प्लेयर्स हैं, जैसे इस सेंटर बैक इस टीम की तरफ से बाकी और प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर बोरुसिया डॉर्टमंड अपने मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर को नहीं भी खिलाएगी तब आपको ये प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी स्क्रीनशॉट की। करीम एक बेहतर प्लेयर है, हल्के मत लेना। एंथोनी मोडेस्ट हल्के मत लेना, रिकॉर्ड मत देखना, क्योंकि ये प्लेयर्स इससे पहले दूसरी टीम के लिए खेला करते थे, उस टीम की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर हैं। फिर यहाँ से वॉल भी एक बेहतर प्लेयर है, और बाकी राफेल गुरेरा तो ऑब्वियसली एक डिफेंडर है और काफ़ी अच्छा पॉइंट देता है, मतलब जैसे बार्सिलोना के लिए क्या नाम है कैंसेलो जोर्डी अल्बा, हाँ मैनचेस्टर सिटी के लिए कैंसेलो, और लिवरपूल के लिए ट्रेट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड, ऐसे ही आपको राफेल गुरेरा बोरुसिया की तरफ से देखने को मिलेगा। सेबास्टियन हेलर हल्के मत लेना, बहुत बड़ा प्लेयर है। ओके, तो ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अगर बड़े टॉप प्लेयर ना खेलें तो ये खेलें, तो इनको भी हल्के में ना लेना। बाकी यहाँ पर टॉप क्लास प्लेयर तो आपके सामने ही, आप इनका स्क्रीन शॉट ले लेना। अब बात आती है असिस्ट वाले कौन से प्लेयर हैं, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी नज़र डालते हैं। असिस्ट में देखा जाए राफेल गुरेरा इस टीम तरफ से टॉप बेस्ट
असिस्ट टेकर है, जूलियन ब्रांड का 4 असिस्ट है, बेलिंगम का 4 असिस्ट है, मुकोको का 3 असिस्ट है, निको का भी 3 असिस्ट है। मार्कस रियोस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एज ए नंबर 10 खेलता है तो एक बेहतर प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आज के मैच में आराम से दे सकते हो। सूले है जिसने 2 असिस्ट निकाले, करीम का, एंथोनी का, बाकी वही प्लेयर्स आपको हर बार देखने मिलेंगे, तो इनका आप स्क्रीन शॉट लेकर रखना। अब बात आती है प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच में हमारी किस मैच मतलब किस तरह की टीम बननी चाहिए, तो चलिए हम अपनी पहले टीम पर ही नज़र डालते हैं। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कंटिन्यू मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए टीम पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें गोल कीपरिंग सेक्शन से, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, बोरुसिया डॉर्टमंड मजबूत टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, मैक्सिमम प्लेयर पिक करेंगे, 4 प्लेयर बोचूम की तरफ से पिक करेंगे जो एक बेहतर हों, उन्हीं 4 को लेकर हमें 11 प्लेयर्स को जगह देनी, किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन देना वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉर्टमंड की तरफ से कोबेल का पॉइंट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन पॉइंट देखकर और सिलेक्शन देखकर बिल्कुल मत लेना, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोचूम के गोलकीपर को इस मैच में लेकर चलें। ओके, जो भी खेले हमारी टीम में वो जॉनसन रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ से डिफेंडिंग सेक्शन से, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास राफेल गुरेरा, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन, समोल लीग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। निको इस टीम की तरफ से एक बेस्ट प्लेयर है, असिस्ट आ चुके हैं, गोल में भी कंट्रीब्यूशन रखा है, तो इसलिए पिक करेंगे। थॉमस मुइनियर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इन्हें भी ले सकते हो, लेकिन मैं निक शॉल को पिक कर चला हूं, जो कि इस टीम के लिए कंटिन्यू परफॉर्मेंस किया है। मैट हमल्स जो कि एक हेडर में स्ट्रॉन्ग है, वोल्फ अगर खेलता है तो बेहतर प्लेयर है और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बाकी जो ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं, देखो इनमें से कोई खेलेगा भी ना तो भी मैं अपनी टीम में नहीं लूँगा, क्योंकि इनका चांसेस इतने ज़्यादा रहते नहीं हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मिडफील्ड सेक्शन से, तो बेलिंगम मेरी पहली चॉइस रहेगी। देखो पहले ही मैच में 159 पॉइंट दिए हैं, अब ऐसा नहीं कोई एमए प्लेयर पॉइंट देते, बल्कि ये पॉइंट देने वाले प्लेयर है। फिर यहाँ से रियोस है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, दाऊद को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, प्रीवियस मैच में एक असिस्ट जरूर आया था लेकिन इतना पॉइंट देने वाला प्लेयर नहीं है। साहिल ओजकान है, इनको भी ज़्यादा ट्राई नहीं करो। एमरिक कैन है, इनको भी ज़्यादा ट्राई नहीं करो। जूलियन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको लेकर चलेंगे। रैना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको लेकर चलेंगे। जो भी खेलेगा लेंगे, अभी के लिए हम जो खेलेंगे चांस ज़्यादा रखते हैं उन्हीं को लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है बोचूम की तरफ से, उनमें से हम सिर्फ अपनी टीम में एंटवी को रखते हैं, जिसने गोल असिस्ट दोनों में इसका कंट्रीब्यूट किया है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आता है यहाँ से गोटमान, यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इनमें से किसी को नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड, देखो मलेन, अदेमी, यूसुफ, होफमान तो रहेगा ही हमारी टीम में, क्योंकि इस टीम तरह टॉप फाइट गोल टेकर है। ओके, फिर यहाँ से सवास्तिन हेलर हल्के मत लेना, और यहाँ से एंथोनी मोडेस्ट है, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो अगर खेलते हैं तो हमें टीम में रखना है, लेकिन अभी के लिए हम मुका को पिक करते हैं और अपनी टीम में जोलर ट्राई कर सकते हो, या आप टीम में किसी और को भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने शायद प्लेयर बोरुसिया डॉर्टमंड तरफ से लिया तो अभी हम जोलर को लेते हैं। तो टीम का प्रीव्यू ये है दोस्त। कैप्टनसी की बात की जाए ना, तो कैप्टनसी तो हमारे पास एक ही है, वो है वन ऑफ द बेस्ट फिलहाल टाइम पर, बेलिंगम। ओके, वाइस कैप्टनसी की बात की जाए तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि हम अपनी टीम में यूसुफ मुकाको को अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन दे दें, लेकिन लाइनअप का बाद इनको भी दे सकते हो ग्रैंड लीग ब्रांड समोलिंग खेलने के लिए। हम होपमान को एज ए प्लेयर पिक करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देंगे। क्रिस्टोफर को एज ए प्लेयर पिक करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक का बटन आपके नीचे है, अगर आप आँख खोल के देखोगे तो इजीली दिख जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन है तो आप दोनों क्लिक कर देना यार, क्या बात है। थैंक यू।